जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और झारखंड में सूखाग्रस्त की स्थिति बनी हुई है। बताते चले कि इस बार मॉनसून जो है वो धोखा है, जिससे किसानों की कमर टूट चुकी है। इसको लेकर विपक्ष पार्टी राज्य सरकार पे हमला बोल रहा है और ये कह रहा है कि पार्टी ने तैयारी नहीं की, सरकार ने तैयारी नहीं की, जिस वजह से आज सरकार को माफ कीजिएगा, आज किसान को ये दिन देखना पड़ रहा है, स्टेट को ये दिन देखना पड़ रहा है। बादल पत्रलेख को इशारा करते हुए कहा कि ये कृषि मंत्री होते हुए भी अभी तक मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं किया, लोन माफ क्यों नहीं किया, ऐसी चीजें क्यों नहीं की जिससे हमारे किसान भाइयों बहनों को सहूलियत हो। इसके साथ ही ईडी कार्यालय में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा का कार्यालय का टैग लेकर पहुंचे और कहा कि हंगामा किया, बैरिकेड तोड़ा और कहा कि ये जो ईडी कार्यालय है ये ईडी कार्यालय नहीं बल्कि ये बीजेपी का कार्यालय है, क्योंकि ये बीजेपी के इशारे पर चलता है। आइए सुनते हैं सारे मसलों पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस इस विषय पे और महागठबंधन की सरकार दोनों इस विषय पे संजीदा है, और कांग्रेस के माननीय मंत्री कृषि मंत्री ने इसको गंभीरता से लेते हुए पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि संवेदनशीलता जो दर्शानी चाहिए वो सरकार और पार्टी पूरी तरह दर्शा रही है। अब विपक्ष के लोग हैं, बेरोजगार हैं बेचारे, बेरोजगारी में अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, उनकी भी दुकानदारी चलनी चाहिए। अगर सरकार के ऊपर आरोप लगा करके भाजपा की दुकानदारी चलती है तो हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो आलोचना करता है उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से ईडी कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यालय का पोस्टर देखे, पर आपको लगता है कि ईडी के कार्रवाई में थोड़ी प्रॉब्लम होगी ईडी वालों को, आपको लगता है ये तरीका सही? देखिए, मुझे ये लगता है कि ईडी अगर निष्पक्षता के साथ काम करे तो स्वाभाविक तौर पर ईडी और देश की संवैधानिक संस्थाएं बधाई का पात्र होता है। लेकिन अगर आप सरकार के दबाव में अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप तो उठता है और लगता भी है। आप देखें कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को कहा है कि जो आरोपित का नाम आपने दिया है उसमें कई लोग भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हैं, उनके ऊपर ईडी का छापा नहीं है। आप राज्य में देखें कि भारतीय जनता पार्टी के भवनाथपुर के विधायक हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उनके दरवाजे तक ईडी आज तक नहीं पहुंची। लेकिन जहां सच है, जिस आवाज को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ईडी उसके दरवाजे तक पहुंचती है। लेकिन उस सबसे कांग्रेस पार्टी घबराने वाली नहीं है। तो आप साफ तौर पर आके सुना को कहते हुए सुन सकते हैं कि ईडी जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रही, बल्कि अब वो रूलिंग पार्टी का हाथ का हथियार बन गई है, ताकि वो राज्य सरकार को परेशान कर पाए। अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी रहती तो हम खुद उसका रेस्पेक्ट करते, सम्मान करते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।